पांडु में अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर शुक्रवार से जिला परिषद सदस्य अनिल चंद्रवंशी के नेतृत्व में कुटुम्ब पावर ग्रिड पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हो गया है। आंदोलन से पूर्व अनिल चंद्रवंशी ने खजुरकला में दस अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पांडु में कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं पांडु के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कुटुम्ब ग्रिड पहुँचे एवं भूख हड़ताल पर बैठ गए। अनिल चंद्रवंशी के साथ शेर अहमद भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस मौके पर अनिल चंद्रवंशी ने कहा कि ग्रिड उद्घाटनकाल से पांडु क्षेत्र में बिजली की कमी रहे, इस क्षेत्र के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होते रहा है। विभाग के लोग भी गंभीर नहीं रहते हैं। बिजली की समस्या को लेकर कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन आज तक बिजली में सुधार नहीं हो सका। विभाग के पदाधिकारियों से पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता है। उन्होंने बताया, पदाधिकारियों का कहना है कि रोस्टर के हिसाब से दो दो घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, लेकिन 24 घंटे में आधे घंटे ही बिजली मिल रही है। किसान का फसल बर्बाद हो रहा। बिजली की समस्या को लेकर उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली की समस्या को देखते हुए आंदोलन का शुरुआत किया गया है। जब तक बिजली में सुधार नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पांडु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों का स्वास्थ्य जाँच किया। इस मौके पर आंदोलनकारियों के साथ शनि सिंह, रौनक सिंह, भीम सिंह, उदित सिंह, देवेंद्र प्रसाद वार्ड सदस्य बिहारी पासवान, श्याम प्रसाद केशरी, सरजू सिंह, मनीष पांडे, रणविजय सिंह, योगेंद्र शर्मा, मुना साहू आदि लोग उपस्थित थे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।